प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का शुभारंभ, गुजरात से की मोदी ने शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के गांधीनगर से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और मजदूरों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की घोषणा इस साल फरवरी में अंतरिम बजट में की गई थी। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को ₹3,000 की मासिक पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है। योजना से असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ कर 11,51,000 लाभार्थियों तक 13,58,31,918 की धनराशि सीधे पेंशन खातों में ट्रांसफर की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज हम सभी एक ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम का होस्ट गुजरात है, लेकिन इस कार्यक्रम में इस समय पूरे देश से करीब 2 करोड़ लोग तकनीक के माध्यम से शामिल हुए हैं। देश के लगभग 42 करोड़ श्रमिकों कामगारों की सेवा में समर्पित हैं। पीएम मोदी ने कहा, देश भर के सभी कामगार साथी जो घरों में सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, कबाड़ से आजीविका कमाते हैं, खेत मजदूरी कर रहे हैं, सड़कों घरों के निर्माण में जुटे हैं, रेहड़ी ठेले चलाते हैं, बुनकर हैं, ऐसे कामों से जुड़े सभी कामगार साथियों को बहुत बधाई। मुझे एहसास है कि देश के करोड़ों गरीबों के मन में ये सवाल रहता था कि जब तक हाथ पैर चलते हैं तब तक तो काम भी मिल पाएगा, थोड़ा बहुत पैसा भी मिलेगा, लेकिन जब शरीर कमजोर हो जाएगा तब क्या होगा। उम्र के उस पड़ाव में जब आय का कोई साधन न हो तो वो समय बहुत पीड़ादायक होता है। यही पीड़ा मेरे मन मस्तिष्क में थी, उसी पीड़ा में से इस योजना ने जन्म लिया है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। गरीबों के नाम पर वोट बटोरने वालों ने 55 साल तक देश में राज किया, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कोई योजना नहीं बनाई। इसका कारण है नियत में। मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी कई योजनाएं शुरू की हैं। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन योजना शुरू करने का ऐलान किया था। इस योजना के तहत कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹3,000 की मासिक पेंशन दी जाएगी। इस योजना के बारे में अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। बता दें कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के चलते सरकार ने पेंशन का लाभ उठाने वाले लोगों के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। यदि कोई लाभार्थी 18 साल की उम्र में इस स्कीम में हिस्सा लेता है तो उसे ₹55 प्रीमियम के तौर पर देना होगा। 29 साल की उम्र में योजना का हिस्सा बनने पर ₹100 मासिक का प्रीमियम देना होगा। 40 साल की उम्र में जुड़ने वालों को ₹200 का मासिक अंशदान करना होगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में हैं। यहां उन्होंने श्री अन्नपूर्णा धाम में पूजा भी की। इसके बाद वह गांधीनगर जिले के अदालत में एक कार्यक्रम में पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के पांव छूकर आशीर्वाद लिया।